हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम नारियल का पाउडर बनाएंगे। आज हम पानी वाला ताज़ा जो नारियल रहता है, कच्चा नारियल, उसका पाउडर बनाएंगे। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आइए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। इसे पहले छील लेंगे, इसके पीछे के छिलके हम उतार लेंगे। उतारने के बाद हम इसका कद्दूकस कर लेंगे। मैंने इन्हें पीछे से छील लिया है और अच्छे से साफ पानी में धो के सूखे कपड़े से पोंछ लिया है, साफ कपड़े से। अब मैं यहाँ कद्दूकस कर रही हूँ, बड़ा वाला साइड ले रही हूँ और इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद मैंने इसे मिक्सी के जार में पीस लिया है। हम मिक्सी में बीच बीच में रोक रोक के इसे पीस लेंगे कद्दूकस करने के बाद। कद्दूकस इसलिए करते हैं कि जब हम पीसते हैं तो ये बराबर पीसा जाता है। अगर हम टुकड़े करके डालते हैं तो वो बराबर नहीं पीसा जाता। इसका हमने बारीक पीस लिया है, रोक रोक के पीसना है हमें। गैस पर हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम कोकोनट जो हमने पीसा है वो डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है बिल्कुल। इसे हम लो फ्लेम पर इसी तरह से ड्राई जब तक नहीं हो जाता तब तक हम इसी तरह से इसे सेकते रहेंगे मिलाते हुए। हमने यहाँ पानी वाला नारियल लिया है। जब तक कि इसका पानी अच्छे से सूख नहीं जाता, ये ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हम इसी तरह से लो फ्लेम पर चलाते हुए सेकेंगे। इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं, किसी भी चीज़ में इसका यूज कर सकते हैं। स्वीट्स में, चॉकलेट में, किसी भी चीज़ में आप इसका यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे मोटे तले की कढ़ाई लें। ये देखिए काफ़ी हद तक हमें 5 मिनट हो गए हैं, इसका मॉइस्चर काफ़ी हद तक ये ड्राई हो गया है। देखिए आप इसे कद्दूकस करते हैं तो इसे एक प्लेट पे डाल के आप फैन के नीचे रख दीजिए 10 मिनट के लिए। इसका मॉइस्चर कुछ हद तक कम हो जाता है, सूख जाता है तो इजीली पीसा जाता है। सेकने में भी कम टाइम लगता है इसे ड्राई करने में। उसके बाद आप सेकिए। ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और नीचे उतार लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं इसे। ये देखिए हमारा कोकोनट पाउडर बनकर रेडी है। इसे अगर आप पीसते वक्त आपका नारियल का पाउडर पीसा नहीं जाता है, मोटा रह जाता है, तो आप इसे ड्राई करने के बाद भी दोबारा से मिक्सी में ठंडा करने के बाद, ड्राई करके ठंडा कर लें, उसके बाद आप मिक्सी में दोबारा से घुमा सकते हैं इसे पाउडर बोर्ड बनाने के लिए, महीन बनाने के लिए। इसी तरह से आप पके हुए नारियल का भी पाउडर बना सकते हैं उसके छिलके उतार के। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।